चैनल तो खुद ही ट्रोल बन गए हैं, तो वो कैसे अखबार ट्रोल बन गए हैं भाई, वो कैसे सुधार करेंगे? जिनको सुधार करना है वो कर ही रहे हैं, लेकिन जब चैनल ही बन जाए, एंकर ही गुंडा की जबान में बात करने लगे, ये भी तो उसको कौन सुधारेगा? मतलब हम अभी भी सुनते हैं कि भाई एडिटर गेस्ट नामक संस्थाएं या ब्रॉडकास्टिंग नामक संस्थाएं, उसके बाद कभी भी इस दौर में डिजिटल मीडिया के दौर में भी ऐसी कोई संस्था नहीं बनी। इन लोगों से कुछ नहीं होता है, इन लोगों से ठीक है अपना कभी कभी बोल देते हैं, अच्छा है कि कोई किसी के पक्ष में बोल दिया है उतने भर के लिए, तो हमको पता ही है कि इन लोगों की कोई भूमिका नहीं है। और दूसरा प्रश्न ये है कि जब हम देख रहे हैं कि अखबार या मीडिया तंत्र में अधिकांशतः बात राजनीतिक किस्म की होती है कि मतलब भाजपा कांग्रेस, जब जमीन के मुद्दे ही गायब हैं तो अंततः तो वो जाकर ट्रोल से प्रतिक्रिया में ही बदलेंगे व्यक्ति के रूप में, या किसी तरह की आप उसको गाली देंगे, आप उसको गाली देंगे। आप राजनीति की करना चाहते हैं, राजनीति की कीजिए, उसमें कोई बुराई नहीं है, वो तो हमारा हिस्सा है लोकतंत्र का। पर बात यह है कि उस राजनीति की बात करने के नाम पे आप प्रोपेगेंडा ठेलने लगते हैं ना। आप खुद से, आप बहुत सारे बड़े बड़े अखबार हैं, ठीक है, छोटे अखबार छोटे चैनल का छोड़ दीजिए, लेकिन जो बहुत बड़ा अखबार है जिसको करोड़ों लोग पढ़ते हैं, उसका कोई डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट होगा, वो क्यों नहीं उसने मेहनत किया कि ज़रा पता करें राफेल वाले में क्या मामला है, नहीं मामला है? तो ये जो भी कांग्रेस बोल दे या बीजेपी बोल दे उसी पर लेके लोग चुप हो जाते हैं। तो वो इन्वेस्टिगेशन की जो परंपरा, ये आप पूछ रहे हैं कि नहीं पूछ रहे हैं, आपकी दिलचस्पी है कि नहीं है, तो ये सारी चीज़ें जो संस्थागत रिपोर्टिंग का ढांचा है वो ख़त्म हो गया है। तो चैनलों में रिपोर्टर नहीं है तो इसका एक एंकर है तो दिन भर चिल्लाता रहता है बैठ के, और इसका वो कहाँ है ये कहाँ है, सवाल पूछो टाइप से करेगा वो, है ना, ढोंगी हिंदू और असली हिंदू चलेगा। और फिर आप वो उसी तरह से अखबारों में भी रिपोर्टिंग का ढांचा ख़त्म हो गया है। तो जब रिपोर्टिंग का ढांचा ख़त्म हो जाएगा तो बहुत आसान हो जाता है कि जैसे बीजेपी के अभी चुनाव आएगा तो उसके 15 मंत्री एक साथ एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे, तो 15 का बयान छपेगा, कहेगा मंत्री जी लोगों ने बोला है। और चुनाव के जो ज़मीन की रिपोर्टिंग होगी उसका जाहिर है उसका स्पेस कम हो जाएगा। आप किसी भी राज्य का इधर हाल के दिनों में आप चुनाव के किसी भी दिन के अखबार उठा के देख लीजिए, उसमें आपको 10 मंत्रियों के प्रेस कॉन्फ्रेंस मिलेंगे अलग अलग जिलों से, अलग अलग दिनों से। एक सवाल, ये देखिए क्या कहते हैं कि आर्थिक असमानता का दौर है जहाँ पे नौकरियाँ किसी को नहीं मिल रही है, तो वहाँ पे ऐसा आपको नहीं लगता कि जो व्यापार बनाया जा रहा है, क्या कहते हैं कि ट्रोल कल्चर के नाम पे बस बिजनेस बना, ट्रोल के नाम पे पार्टियाँ रख रही हैं, और फिर जो सेलिब्रिटी कल्चर बना है, कुछ पत्रकार को सेलिब्रिटी बना करके केवल उन पर ही हमला करना, कुछ ऐसी चीज़ें, वो तो बाकियों को डराने के लिए किया जाता है कि जब हम इनका ये हालत कर देंगे तो आपका क्या हाल करेंगे, और वो हाल कर ही देते हैं। अब कोई बड़ा एंकर नौकरी गया तो सोचिए उसके नाम पे कितने लोग डर गए होंगे, उसके यार दोस्त कहते होंगे तुम चक्कर में मत फंसना, उनका भी नौकरी चली गई, तुम्हारी चली जाएगी, तुम कैसे ईएमआई दोगे या जैसे भी करोगे। तो भाई उसकी समस्या तो है ना कि नौकरी या और उपार्जन के दबाव से वो तो मुक्त नहीं है, वो मुक्त होता तो प्रधानमंत्री और अमित शाह पेंशन लेना बंद कर दें, वो जनता का पेंशन बंद कर देते हैं। और विधायक सांसद अपना पेंशन लेते हैं कि नहीं लेते हैं, वो किस लिए लेते हैं? वो इसीलिए लेते हैं ना कि उनको एक तरह की सामाजिक सुरक्षा चाहिए, उतने बड़े पद पे पहुँचते। उस तरह से एक रिपोर्टर का भी हक बनता है, एक एंकर का भी हक बनता है कि उसको एक सामाजिक सुरक्षा चाहिए। जब इस देश का प्रधानमंत्री खुदे पेंशन ले रहा है, लेगा ना भाई? मुख्यमंत्री लेगा कि नहीं लेगा पेंशन? जब आप विधायक और सांसद बन के जब वहाँ से रिटायर होंगे तो आपको पेंशन मिलेगा, ये व्यवस्था तो है, बाकी की तो नहीं है। तो सब कोई चाहता है, तो एक एंकर की नौकरी जाती है 10 एंकर डर जाता है, कहता है भाई क्या करें। एक अंतिम सवाल, आपने बहुत अच्छी बात की कि मनोवैज्ञानिक किस्म का आपको हिम्मत मिलता है हम जैसे लोगों से, मतलब कैसे बताएंगे जैसे कि हम हैं आपके पीछे? कोई फार्मूला नहीं है इसका, इसको रोज़ लड़ना पड़ता है, इसका कोई फार्मूला नहीं है बॉस। ये टेस्टिंग रोज़ की होती है, आपको रोज़ नए, तो पिछला दिन का कोई अनुभव आपके काम नहीं आता है।